शर्मा टेलर सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, विशेष कर ऐसे के लिए बनाया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है सोशल साइंस। और आज वीडियो में चैप्टर 8 से मैं आपके लिए जरूरी क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इन क्वेश्चन की आप तैयारी करिएगा, एक नहीं कई बार करिएगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार करने से नहीं आती। ये वीडियो विशेषकर मैंने उन जातियों को ध्यान में रखकर बनाया है जो महंगे महंगे कोचिंग सेंटर जाके नहीं पढ़ सकते। आप में से ऐसे कई विद्यार्थी है जो देखा जाए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना अलग से जाके पढ़ाई कर सके। आप में से कई ऐसे विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, इतना समय नहीं निकाल पाते कि अपना अलग से कहीं अपना पढ़ाई कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत जरूरी आता है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हम। प्रश्न पहले में आपसे कहा जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो बहुत जरूरी सवाल है, अपने एग्जाम में आ सकता है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो प्रेस का मतलब क्या होता है हमारे समाचार पत्र वगैरह। अब देखा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक एक्ट एक ऐसा कानून था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसके प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। सिंपल सा अगर मैं आपको आम भाषा में आपको बताना चाहूँ तो मतलब क्या, अंग्रेज सरकार ने एक कानून बना रखा था कि यहाँ पर देखा भारत में जो भी समाचार पत्र एजेंसी है, जो भी समाचार पत्र वाले हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छाप सकते। अगर कोई भी समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ छापता है तो उस समाचार पत्र को एक बार वार्निंग दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए वो अपना समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ छापता है कुछ, तो ऐसे में देखा जाए वो समाचार पत्र को अंग्रेज सरकार क्या कर दिया करती थी, बंद कर दिया करती थी। तो ये था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कोई भी भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों के खिलाफ कुछ गलत नहीं छाप सकता, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अगर छापेगा तो उसका समाचार पत्र, तो उसका समाचार एजेंसी जो भी कुछ है क्या होगा, बंद हो जाएगी। तो ये था हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, बहुत जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारे लिए जरूरी भी है। देखा जाए कैसे जरूरी है। स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह एक सफल रणनीति एवं दर्शन था। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बना होता था। बंगाल विभाजन के समय यह आंदोलन पूरे जोर पर था और इसे पूरे देश में चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है कि आपके स्वदेशी का मतलब क्या है, अपने देश की निर्मित चीज़ों को इस्तेमाल में कर लेना, कि हमें देखा जाए विदेशी चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, हम अपने देश की निर्मित चीज़ों को खरीदेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश का पैसा जो है देश में रहेगा, देश का पैसा देश में रहेगा और हमारा देखा जाए अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। बाहरी कंपनी आती है, भारत में व्यापार करती है, प्रॉफिट होता है, अपने देश में जाती है। तो ऐसे में देखा जाए जब अंग्रेज आते तो अंग्रेजी भी क्या आते, एक विदेशी व्यापारी कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने आई थी, पैसा कमाने आई थी। और जो हमारा देखा जाए बहुत से भारतीय लोगों ने क्या करा, स्वदेशी आंदोलन चलाया, कि उन्होंने देखा कि अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है तो हमें स्वदेशी अपनाना होगा। तो बहुत आसान है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है प्रारंभिक कांग्रेस के सरोकारों के मुद्दों का उल्लेख करें। तो यहाँ देखा जाए जो हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो हमें देखा जाए बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी हमारी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब शुरुआत में हमारा देखा जाए कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उसके क्या उद्देश्य थे, क्या इसके मोटिव थे कांग्रेस पार्टी के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हुआ और ये हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी। कांग्रेस पार्टी हमारी बनी थी बॉम्बे, जो कि आज हमारा देखा जाए मुंबई है। तो मुंबई हमारा देखा जाए 1885 में AO Humes देखा जाए यहाँ पर। इसके संगठन में इंडियन सिविल सर्विसेज सेना निर्मित अधिकारी AO Humes ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये AO Humes के नेतृत्व में हमारा देखा जाए 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी। शुरुआत में देखा जाए कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य जो सरोकार थे, क्या मोटिव थे, कपास के आयात कर को भारतीयों के अनुकूल बनाया जाए, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, इंग्लैंड और भारतीयों में समानांतर प्रशासन के जरिए सिविल सर्विसेज का भारतीयकरण किया जाए, वन संबंधी कानून को बदलना जो भारतीयों को प्रभावित करते हैं, असम के चाय में बगान अनुबंधित मजदूरों के विरोध संगठित अभियान चलाना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और प्रेस पर नियंत्रण का विरोध करना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इसका विरोध करने के लिए भी देखा जाए यहाँ पे हमारा कुछ मोटिव थे इसके कांग्रेस पार्टी के। तो इसके अलावा देखा और भी कई सारे मोटिव थे, लेकिन फिलहाल देखा जाए मैं आपको यहाँ थोड़ा बहुत ही बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की।
प्रश्न चार आपका देखा है बहुत जरूरी सवाल है। क्या जरूरी सवाल बनता है? साइमन कमीशन के बहिष्कार को स्पष्ट करें। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार, तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, आपने सुना होगा। तो इसको लेके हमारा देखा जाए कुछ सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है? सन 1926 में सरकार ने भारतीय राजनीति अध्ययन करने के लिए साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन नियुक्ति की। इसके सातों सदस्य अंग्रेज थे, इनमें एक भी भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप इस कमीशन का दृढ़तापूर्वक बहिष्कार किया गया। जनता ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। हर मुख्य शहर और कस्बे में एक दिन हड़ताल की गई। बैनरों, इश्तिहारों, यहाँ तक कि पतंगों पर भी साइमन गो बैक लिखा गया। और यह कमीशन जहाँ जहाँ गया उसे काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने बड़ी सख्ती और बर्बरता से इसका दमन किया। जुलूस पर घोर अत्याचार किया। एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे नेता लाला लाजपत राय पर लाठियों द्वारा इतना कड़ा प्रहार किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देखा है साइमन गो बैक। सिंपल सा अगर मैं आपको अपनी आम भाषा में बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि अंग्रेज सरकार ने अपनी कमज़ोर हो रही पकड़ को मजबूत बनाने के लिए जो है सर जॉन साइमन को अपना भारत बुलाया। एक मीटिंग बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई जिसमें सातों के सातों सभी के सभी सदस्य क्या थे, अपना देखा जाए अंग्रेज थे, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। इस व्हाइट मैन कमीशन में किसी भी भारतीय को नहीं लिया गया और ना ही यहाँ देखा जाए इस कमीशन में भारतीयों के हित के लिए कोई काम वाली कोई बात थी। जिस वजह से देखा जाए भारतीय लोग क्या थे, इस कमीशन के खिलाफ थे, सर जॉन साइमन के खिलाफ थे और सर जॉन साइमन के खिलाफ नारे लगाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। और जिसमें देखा है एक रैली थी, उस रैली का जो नेतृत्व कर रहे थे हमारे यहाँ पर देखा जाए लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय उनके पास जो है कुछ लाठी बरसाई गई और जिससे उनकी जो है यहाँ पर कुछ दिनों बाद उनकी डेथ भी हो गई। तो ये हमारा देखा जाए साइमन गो कमीशन बहिष्कार। तो लोगों ने जो साइमन कमीशन का बहिष्कार किया तो उसके पर आप जो है कुछ अपना हिसाब से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे लिखिए, आप अपने शब्दों में बराबर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखा जाए आपको पढ़ाई समझनी है, उसका रट्टा नहीं मानना है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मत याद करिए, सिर्फ समझिए कि सवाल क्या कह रहा है और आंसर आपको क्या लिखना है। पढ़ाई देखा जाए करते कि जो है समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है, लेकिन रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न पाँच की। प्रश्न पाँच में ऐसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी, यानी गांधी और जो यहाँ पे लॉर्ड इरविन था इन दोनों बीच में कहते क्या हुए थे, कुछ यहाँ पे सेटलमेंट हुए थे, कुछ यहाँ पे हमारे क्या हुए थे सेटलमेंट। तो ये जो समझौते हुए थे क्या सेटलमेंट थे, 15 दिनों की वार्तालाप के बाद 5 अगस्त 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की शर्तें थी, तो सिंपल सा हमारा देखा जाए हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी ने हमारा एक आंदोलन शुरू किया था, उसका नाम क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है हमारा यहाँ पर सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में हमारा देखा जाए गांधी जी ने कहते क्या करता है, नमक कानून से शुरुआत करती, यहाँ पे हम अंग्रेजों का कोई भी कानून नहीं मानेंगे, और शुरुआत हुई थी नमक कानून को तोड़ने को लेके। नमक कानून टूटने बाद में कहते क्या हुआ यहाँ पे हमारा महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, तो गांधी और इरविन के बीच में जो देखा जाए 15 दिनों की वार्तालाप के बाद में कहते क्या हुए, कुछ सेटलमेंट हुए, कुछ समझौते हुए, जिसमें गांधी जी ने अपने कुछ शर्तें रखी, कुछ मांगे रखी, जिसे देखा जाए उस समय देखा जाए गांधी इरविन ने कहते कि जो है हाँ कहकर उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन कैसे, महात्मा गांधी ने कहते क्या शर्तें रखी थी, उन्हें कहा कि अहिंसात्मक प्रतिरोध में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तत्काल मुक्त किया जाए। कि आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो अपना शांतिपूर्वक अहिंसापूर्वक जो अपना विरोध कर रहे थे, जिन्हें जेल में डाल दिया गया है, उन्हें छोड़ा जाए। इसके साथ ही देखा जाए जो जुर्माने अभी तक वसूल नहीं किए गए उन्हें माफ़ किया जाए। अधिग्रहण किए गए सारे भूमि जिसे अभी तक बेचा नहीं गया है किसानों को लौटा दी जाए। जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया था उनके साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाए। तटवर्ती गांवों को अपने लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, इसलिए रखा गया, और शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक धरने का अधिकार दिया जाए। ये कुछ यहाँ पे हमारा देखा जाए गांधी इरविन की कुछ जो देखा जाए कुछ शर्तें थी, कुछ समझौते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न छः की। प्रश्न छः में आपसे कहा जाता है बंगाल विभाजन के क्या कारण थे। तो देखा जाए हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। तो कैसे क्या घटना बनती है, क्या इसकी खास बात बनती है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे जो घृणित काम था क्या था, 1905 में बंगाल का विभाजन करना, कि बंगाल को 2 में बांट दिया था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया था, तो 2 से बांट के हमारे एक पूर्वी बंगाल और एक हमारा पश्चिमी बंगाल, दो हमारे बंगाल को बांट दिया कर दिया गया था। उस दिन पूरे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
बंगाल विभाजन बंग भंग नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार आंदोलन से मिली। मतलब यहाँ पे देखा जाए हमारा, देखा है एक जो हमारा वायसराय लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन ने देखा जाए 1905 में बंगाल विभाजन किया। तो देखा जाए इसके कारण क्या थे। सबसे ज़्यादा देखा जाए, एक तरह से देखा जाए सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा था अंग्रेज़ों का, वो हमारा बंगाल में हो रहा था। बंगाल में हिंदू मुस्लिम दोनों ही मिलकर देखा जाए अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में देखा जाए अंग्रेज सरकार समझ नहीं पा रही थी कि हम इस विरोध को कैसे शांत करें, कैसे इसको रोके। इसके लिए हमने के लिए क्या करा कि जो यहाँ पर देखा जाए बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल एक पश्चिम बंगाल। एक हिस्से में मुसलमान दिखते, दूसरे हिस्से में देखा जाए हिंदू दिखते। और दोनों में देखा है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राजकुरु नीति अपना दी। मतलब देखा जाए दोनों के दूसरे के एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। साथ में देखा जाए ये उनके जो एक तरह नीति थी, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने क्या कहा, ऑफिशियली उन्होंने ये कहा था उस समय लॉर्ड कर्जन ने कि जो बंगाल है, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, इतने बड़े प्रांत का जो शासन चलाना जो है मुश्किल है, कठिन है। इसलिए हम जो बंगाल का जो दोस्तों में बंटवारा कर रहे हैं, दोस्तों में बांट रहे हैं, ताकि यहाँ का प्रशासन अच्छे से चल सके, यहाँ का अपना देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। लेकिन इसके सही इसके पीछे जो सही वजह क्या थी, बंगाल में जो हो रहे आंदोलन थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में थे, उसको तोड़ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम साथ की। पश्चिम साथ में से कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है। तो देखा जाए यहाँ पे हमारा देखा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने देखा जाए वो तो बहुत से आंदोलन जो किए हैं, जिसमें हमारा देखा जाए कहते हैं कि हमारा पर असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और हमारा देखा जाए स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, और हमारा देखा जाए और भी हमारे आंदोलन बनते हैं। लेकिन इन आंदोलनों में से हमारा देखा जाए कोई ना कोई एक आंदोलन आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। मतलब क्या है, मेन आपके बनते हैं असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों में से आपका सबसे ज़्यादा चांस है कि तो कोई ना कोई एक पेपर में आकर आना ही आना है। लेकिन अब देखा जाए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसकी क्या खास बात थी, बाकी आंदोलनों से ही किस तरह से अलग था। भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाए बाकी आंदोलन तो थे लेकिन उनसे किस तरह से अलग था। भारत छोड़ो आंदोलन जिसके मुख्य सूत्रधार महात्मा गांधी थे, इसका आरंभ 8 अगस्त 1942 को हुआ। और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध देखा जाए हमारा देखा जाए चल रहा था 1947 से लेकर 1945 तक, लगभग 6 साल तक चला। 1939 से लेकर 1945 तक लगभग 6 साल तक चला हमारा यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध। और जब प्रथम विश्व युद्ध चला था हमारा यहाँ पर 1914 से लेकर 1918 तक। तो इतिहास में हमारा देखा जाए अभी तक जो हमारे यहाँ पर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो फिलहाल देखा जाए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के एक भाषण में देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया था। तो यहाँ देखा जाए इससे पहले महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए, सभी आंदोलन में क्या होते थे, कुछ ना कुछ मांगे होती थी, या तो मांगे पूरी हो जाती थी या नहीं होती थी, या किसी न किसी वजह से आंदोलन रद्द हो जाता था। लेकिन यहाँ देखा जाए महात्मा गांधी ने 1942 में जो आंदोलन शुरू किया, इस आंदोलन में देखा जाए किसी तरह की कोई मांग नहीं थी, सिर्फ क्या था, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, ये था। और जिसमें देखा जाए महात्मा गांधी के इससे पहले जितने भी आंदोलन थे सब थे अहिंसा पर आधारित थे, पूर्णतः 100% अहिंसा पर आधारित थे। लेकिन पहली बार देखा जाए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि हमारा 1942 में हुआ था, और इस आंदोलन में उन्होंने देशवासियों से कहा था करो या मरो, डू और डाई, कि भारत की आज़ादी के लिए हम कहते क्या करेंगे, करो या मरो, यानी कि आज़ादी हम लेके रहेंगे, किसी भी हालत में भारत को आज़ाद करा के रहेंगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना था, कि भारत में अंग्रेज नहीं रहेगी, भारत में कहते कि जो भारत का शासन होगा, भारत स्वतंत्र होगा, भारत आज़ाद होगा। इसमें अब हमारी जो देखा अंग्रेजों से किसी तरह की तो कोई मांग नहीं है, सिर्फ ये है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जरूर सवाल है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में ऐसा कहा जाता है नरम दल गरम दल में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आपको बता रहे हैं यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों में क्या डिफरेंस था। तो यहाँ देखा जाए हमारी कांग्रेस पार्टी बनी, तो जब कांग्रेस पार्टी बनी तो उस समय हमारा देखा जाए नरम दल गरम दल ऐसा कुछ नहीं था, पूरी पार्टी हमारा देखा जाए एक थी। लेकिन क्या हुआ आगे हमारे समय में देखा जाए लगभग 20-22 सालों में क्या हुआ कि इस पार्टी में 2 विचारधारा के लोग बन गए, एक पुराने विचारधारा के लोग थे, एक नई विचारधारा के लोग थे। जो पुराने विचारधारा के लोग थे वो क्या थे नरम दल, और लेकिन एक जो नई विचारधारा के लोग थे वो क्या थे गरम दल। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ लिखा है मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर कांग्रेस के उदारवादी दल के हाथ में थी। 1905 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे उग्रवादी या गरम दल की संज्ञा दी गई। जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वरदान मानने वाले तथा उनकी
न्यायप्रथा में अटूट विश्वास रखने वाले उदारवादी नेताओं का विश्वास टूटकर बिखर गया। तब कांग्रेस में एक नया तरुण वे का उदय हुआ, जो प्रार्थना के बदले संघर्ष का मार्ग अपनाने को आतुर था। उग्रवादी दल के नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, जिन्हें बाल पाल लाल के नाम से जाना जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल। गरम दल के इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। उग्रवादी सरकारों के सुधारों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। गरम दल के नेताओं ने जनसाधारण को राष्ट्रीयता और राजनीति का पाठ पढ़ाने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं प्रकाशन आरंभ किया। इस प्रकार उग्रवाद राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण इकाई बन गया। सिंपल सा हमारा देखा जाए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी बनी थी तो वो क्या होती थी, अंग्रेज सामने अपनी कुछ मांगे रखती थी, कई तरह की छोटी मोटी मांगे होती थी, कई हमारी देखा कैसे कई तरह की हमारी मांगे होती थी, लेकिन अंग्रेज सरकार देखा जाए उन मांगों को नहीं मानती थी। देखा जाए गलत है कि लगभग देखा एक साल, पाँच साल, दस साल, बीस साल गुजर गए हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार देखा है भारतीय की कांग्रेस पार्टी की जो मांगे होती हैं उनको उनके ऊपर ध्यान देती ही नहीं है। तब ऐसे में देखा जाए कांग्रेस पार्टी में देखा जाए एक नई विचारधारा के लोग पैदा हुए, जिन्होंने कहते कहा कि हमारे जो मांगे हैं अंग्रेज सरकार ने देखा जाए लगभग हमें इतने साल हो गए, 20-22 साल कुछ होने को जा रहे हैं हमें यहाँ पर, अंग्रेज सरकार ने हमारी अभी मांगे अब तक हमें जो पूरी नहीं करती, अगर हम अपनी जो इन नरम तरीकों अपनाएंगे, नरम तरीके क्या है, उनसे मीटिंग करना, अपना देखा जाए गलते कि पत्र लिखना, निवेदन करना, चिट्ठियाँ लिखना, ये अपना देखा जाए भूख हड़ताल करना, ये अपना छोटे मोटे तरीके होते हैं वो करना, इससे अंग्रेज प्रभावित नहीं होने वाली। तो इनका जो गरम दल वालों का मानना था, इन गरम दल वालों का मानना था कि हमें देखा अंग्रेजों के ऊपर थोड़ा डालना पड़ेगा प्रेशर, अंग्रेजों के ऊपर डालना पड़ेगा दबाव, हम हिंसा नहीं कर रहे लेकिन हम थोड़े से कठोर तरीके अपना रहे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे लेकिन हम देखा जाए कुछ कठोर थोड़े से जो कठोर तरीके अपना रहे हैं, हम अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाएंगे, हम अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके पुतले हैं वो जलाएंगे, हम जो है अपना देखा जाए करते हैं कि भूख हड़ताल नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का खिलाफ करते हैं कि जो भी उनके जो प्रचार होता है वो करेंगे, ताकि जैसे अंग्रेज सरकार करते हैं क्या प्रभावित हो और वो हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो। ये तरीके थे यहाँ पे हमारा पर देखा जाए गरम दल वालों के, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए नरम दल वो दल थे जिनका अभी भी विश्वास था कि अंग्रेज हमारे देखा जाए आज नहीं तो कल मांग हमारी मान ही लेंगे। ये नरम दल वालों का तरीका था कि हमें अभी भी देखा जाए अंग्रेजों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अपना तरीका वही पुराने वाला तरीका अपनाना चाहिए, अंग्रेज हमारे आज नहीं तो कल आने वाले समय में हमारी मांग मानी लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए गरम दल वाले ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो ये था हमारा पे गरम दल और नरम दल, और दोनों ही हमारे किससे निकले, कांग्रेस पार्टी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नौ में से कहा जाता है असहयोग आंदोलन आरंभ करने का मुख्य लिया गया उद्देश्य क्या था। तो यहाँ देखा जाए महात्मा गांधी ने देखा जाए जो हमारा 1920 में सितंबर 1920 में हमारे एक आंदोलन की शुरुआत करी थी जिसका नाम क्या था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था क्या था, सिंपल सा देखा है महात्मा गांधी की उस समय जो सोच थी वो ये सोचती कि अंग्रेज जो है भारत में सर्वाइव कर पाते हैं, इंडिया में जी पाते हैं, अपना इंडिया में शासन कर रहे हैं, वजह क्या है इन सब की कि हम इंडियन, हम भारतीय लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको सहयोग कर रहे हैं, हम ही इनके लिए जो देखा जाए खाना बना रहे हैं, हम ही इनके लिए काम कर रहे हैं, हम ही इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे ला रहे जा रहे हैं, हम ही इनको एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम इनको किसी भी तरह का सपोर्ट ना करें तो ये सब चलते क्या हो जाएंगे, निस्सहाय हो जाएंगे और ऐसे में देखा जाए चलते ये वापस इन्हें अपने देश में जाना पड़ेगा। इस चीज़ को लेकर देखा जब महात्मा गांधी ने क्या कहा कि कोई भी अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी अंग्रेजों को कहते हैं कोई भी काम अंग्रेजों को कोई भी काम नहीं करेगा, जिससे कहते अंग्रेज कहते क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ये कहा है यहाँ पे महात्मा गांधी ने ऐसे कुछ। उसके बाद हमारा देखा जाए कहते क्या हुआ, ये हमारा 1920 में सितंबर 1920 में आंदोलन शुरू हुआ और फरवरी 1922 तक ही चला। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे आगे चल के कुछ घटनाएं भी घटित हुई। 1922 के बीच में महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश सरकार ने एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने के लिए योजना बनाई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और आंदोलन से ब्रिटिश सरकारी पदाधिकारी हिल गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं प्रश्न 10 की, तो आपका देखा जाए बहुत ही यहाँ पे जरूरी सवाल है आपके एग्जाम के लिए, बहुत जरूरी सवाल है। एग्जाम में आपका सवाल कैसे भी घूम फिर के आ सकता है, लेकिन सवाल हमारा फिलहाल देखा जाए क्या बनता है कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया। महात्मा गांधी ने क्या करा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के क्या कारण थे, कैसे भी आपका सवाल बन सकता है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले गया, असहयोग आंदोलन कहते कि जो महात्मा गांधी ने क्यों वापस लिया, इसको रद्द क्यों किया गया, कैसे भी आपका सवाल बन सकता है। तो बहुत आसान है, क्या बनता है, एक बनता है हमारा पे चोरा चोरी कांड। तो आपका अलग से सवाल भी बन सकता है, आपका एक और अलग से सवाल बन सकता है कि हमारा देखा जाए चोरा चोरी कांड क्या बनता है, कि हमारे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में चोरा चोरी कांड क्या बनता है, ये भी आपका सवाल बन सकता है। कि सवाल जरूरी नहीं कि जो ऊपर हो वही हो, अंदर से कहीं से भी आंसर में से एक नया सवाल बन सकता है। तो फिलहाल देखा जाए एक चोरी चोरी घटना हुई थी हमारे यहाँ पर, चोरी चोरा जो एक कांड हुआ था घटना हुई थी, उसके बाद देखा जाए महात्मा ने क्या करा, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को रद्द करा। तो क्या थी ये घटना, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का प्रमुख कारण चोरी चोरा कांड था। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने सन्नित प्रांत में के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा पूर्व में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। फरवरी 1922 की चोरी चोरी घटना ने गांधी जी को यहाँ पर झकझोर दिया। जो किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस वालों ने गोली चला दी थी, और जिससे किसान बेकाबू हो गए थे। इससे किसानों ने चोरी चोरी जो पुलिस थाना था चोरी चोरा उस थाने पर हमला कर दिया। इससे 22 पुलिस वाले जो यहाँ पर मारे गए थे। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो पूरी तरह हमारे देखा जाए अहिंसावादी थे, और वो नहीं चाहते थे कि गलती कि जो अपना जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो आगे हिसाब से घटनाओं को और बढ़ावा दे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसे और भी घटनाएं हो, जिस वजह से देखा जाए उन्होंने अपना देखा जाए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 में हमारा देखा जाए बनता है रोलट एक्ट क्यों बनाया गया। तो बहुत जरूरी सवाल है हमारा पे रोलट एक्ट, तो रोलट एक्ट है क्या। तो चलिए सबसे पहले जो लिखा है मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अपने शब्दों में बताता हूँ। रोलट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में दो विधेयक लाए गए। पारित होने के उपरांत इन विधेयकों को रोलट एक्ट या काला कानून के नाम से भी जाना गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस एक्ट का पुरजोर विरोध किया। इस अधिकार के साथ अंग्रेज सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा गया। सिंपल सा अगर देखा जाए मिस को, अगर आपको मैं अपनी एक आम भाषा में बताना चाहूँ तो क्या बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने देखा जाए भारत में देखा जाए अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए और भारत में हो रहे अपने खिलाफ आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, उसका नाम क्या था, एक एक्ट बनाया, उसका नाम क्या था, रोलट एक्ट। इस रोलट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजों का विरोध करते पाया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी करते पाया जाता है, तो उसे पकड़ के डाल दिया जाएगा जेल में। नो अपील नो दलील नो वकील, ये यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जिस व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा उसका ना तो कोई अपील होगी, ना उसका कोई वकील होगा, ना उसकी कोई दलील होगी, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा अनिश्चितकाल के लिए। कि वो एक दिन भी रह सकता है, 10 साल भी रह सकता है, 10 महीने भी रह सकता है, उम्र कैद भी रह सकता है, और ना ही उसे किसी से मिलने दिया जाएगा, और ना ही कहते उसके ऊपर कोई और दूसरी कार्रवाई होगी, तो सीधा उसको जेल में डाल दिया जाता है एक लंबे समय के लिए। यह था हमारा पर रोलट एक्ट, यानी कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जार डाला जा सकता है यहाँ पे हमारा पर जेल में। यह था रोलट एक्ट जिसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे हमारा पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कहा गया यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ये था क्या, इस सवाल को एक दूसरे सवाल के रूप में भी पूछ सकते हैं, दांडी मार्च कि इसको यहाँ पर देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से भी कह सकते हैं। नमक कानून तोड़ा महात्मा गांधी ने, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले चलिए जो यहाँ पे लिखा है उसके बारे में समझाता हूँ, उसके बाद में आपको अपने शब्दों में बताता हूँ। 1930 में स्वतंत्रता दिवस के पालन के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने आश्रम के 78 सदस्यों अन्य सदस्यों ने गांधी
दांडी और अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर इससे भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक गांव यानी कि जो दांडी गांव था वहां के लिए एक पैदल यात्रा शुरू करी। वे 6 मार्च 1930 को दांडी पहुंचे और जहां उन्होंने यहां पर नमक कानून तोड़ा। इस समय किसी के अन्य नमक बनाने गैर कानूनी था क्योंकि इस पर सरकार का एक अधिकार था। गांधी जी ने समुद्री जल के वाष्पीकरण से बने नमक को मुट्ठी में लेकर उठाकर सरकार की अवज्ञा की और नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव हुआ। सिंपल सा देखा जाए हमारा क्या बनता है, महात्मा गांधी ने देखा जाए अंग्रेजों के साथ देखा जाए कुछ मीटिंग रखी, उनसे अपना कुछ मांगे मांगी, लेकिन मांगे पूरे ना होने पर देखा जाए उन्होंने क्या कहा कि मैं अपना जो एक नया आंदोलन शुरू करता हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब क्या है कि हम अंग्रेज सरकार के किसी भी कानून को नहीं मानेंगे, जो भी हमारे अंग्रेज सरकार के जो भी गलत कानून है हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसकी क्या करेंगे अवज्ञा करेंगे। एक होती आज्ञा का उल्टा अवज्ञा, कि हम जो भी अंग्रेज सरकार के जो भी गलत नियम कानून है हम सब उसकी क्या करेंगे अवज्ञा करेंगे, हम उनको बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत हुई नमक कानून से। उस समय देखा जाए भारत में देखा जाए नमक बनाना क्या था, गैर कानूनी था। देखा जाए भारत हमारा देखा जाए बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हमारे हिंद महासागर तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन तीनों समुद्र से घिरने के बाद भी देखा है भारत में देखा है नमक बनाने क्या था, गैर कानूनी। भारत में देखा जाए नमक बन सकता है, बहुत अच्छी मात्रा में बन सकता है, बहुत अच्छी क्वालिटी में बन सकता है, लेकिन फिर भी देखा है भारत में नमक बनाने क्या आता है, गैर कानूनी। क्योंकि भारत में अगर नमक बनने लग गया तो अंग्रेजों का नमक कौन खरीदेगा, अंग्रेजों का नमक बिकता रहे इसलिए करते कि जो उन्होंने क्या करा भारत में नमक नहीं बनेगा, अंग्रेज अपना नमक लाते रहेंगे और बेचते रहेंगे पैसा कमाते रहेंगे और भारत में नमक नहीं बनेगा, ये अंग्रेजों की प्लान नहीं थी। ऐसे में देखा जाए महात्मा ने क्या करा कि हम जो देखा जाए सबसे पहले भारतीय लोग क्या करेंगे, हम नमक बनाएंगे, हम अंग्रेजों का जो कानून है जो कि गलत है कि भारत में नमक नहीं बनेगा हम उसको तोड़ेंगे। अब महात्मा ने कहने क्या करा जो है 12 मार्च 1930 को देखा जाए अपना गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 अन्य सदस्यों के साथ में एक पैदल यात्रा शुरू करी जो कि थी 385 किलोमीटर दूर की और रोजाना पैदल चलते थे। और जैसे जैसे ये अपना देखा जाए आंदोलन आगे बढ़ा लोग इसमें जुड़ते चले गए और लगभग 6 अप्रैल को जो है दांडी पहुँच के उन्होंने समुद्र का पानी लिया, उसको वाष्पित करके नमक बना के अपने हाथों में नमक लेके अंग्रेज सरकार का जो कानून था कि भारत में नमक नहीं बनेगा उसको तोड़ा। तो ये थी हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह कह सकते दांडी मार्च यात्रा। और ये था हमारा, इसी के साथ हमारा देखा जाए भारत में और कई जगहों पर अंग्रेजों के जो भी नियम कानून थे उन सबको तोड़ा जाने लगा, जिससे अंग्रेज सरकार के अंदर क्या हो गई काफ़ी डर गई और फिर उन्हें देखा जाए महात्मा गांधी के साथ अपनी एक रखी मीटिंग ताकि अपना वो सेटलमेंट अपना कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, देखा जाए मैंने अभी तक आपके लिए देखा जाए काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण करा चुका हूँ। आपको करना क्या है कि आपको उनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे है कि इनको आप एक बार करके आप अच्छे से नहीं समझ सकते। इनको करना क्या होता है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आपको क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप जो एक बार देखिए दो बार देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।